नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत बंगाल विजय के शाह मंत्र के साथ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में पूरी तरीके से जुटे हैं। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह झाड़ग्राम और बांकुरा में रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह की आज पहली रैली सुबह 11 बजे झाड़ग्राम में होनी और उसके बाद वो बांकुरा में दोपहर 1 बजे रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद अमित शाह शाम को असम जाएंगे जहां वो गुवाहाटी में टाउन हॉल को करेंगे संबोधित। मिशन बंगाल के लिए अमित शाह की 5 दिनों में 3 रैली है। साफ है बीजेपी पूरी ताकत के साथ बंगाल की जमीन पर ममता को चुनौती दे रही है। ममता बनर्जी भी आज पुरुलिया में 2 रैलियों को करेंगी संबोधित। इससे पहले कल ममता ने कोलकाता में 4 किलोमीटर लंबी यात्रा में हिस्सा लिया था। नंदीग्राम में पैर में चोट लगने के बाद वो पहली बार चुनाव प्रचार के लिए सामने आई थी और व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार किया, ये कहते हुए कि बंगाल की जनता का दर्द मुझसे बड़ा नहीं है। तो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं झाड़ग्राम की, जहां आज अमित शाह की अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे रैली होनी है और कल खड़गपुर में अमित शाह ने रोड शो किया था। ये 2 दिवसीय दौरा बंगाल का अमित शाह का और बंगाल की धरती से चुनौती ममता बनर्जी को। आज 2 रैलियां, एक तरफ झाड़ग्राम में 11 बजे रैली होनी है तो वहीं 1 बजे बांकुरा में रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं, अरुण सिंह झाड़ग्राम से जहां अमित शाह की थोड़ी देर बाद रैली होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ पुरुलिया से अमित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुरुलिया, जहां पर रैली को संबोधित करेंगी ममता बनर्जी। लेकिन सबसे पहले अरुण, आपके पास आते हुए बताइए जरा कि कितना महत्वपूर्ण होगा झाड़ग्राम में अमित शाह का आज रैली को संबोधित करना और क्या तैयारी फिलहाल? देखिए, झाड़ग्राम में अमित शाह की रैली का मकसद सबसे बड़ा यह है कि ये जो पूरा आदिवासी इलाका है उसमें बीजेपी झारखंड से चूंकि सटा हुआ इलाका है तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि इस इलाके में अगर वो मेहनत करेगी और खास तौर से अमित शाह जैसा चेहरा जो राष्ट्रीय स्तर का चेहरा है, अगर वो इस इलाके में कैंपेनिंग करे और लोगों से मुलाकात करे, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बातचीत करे, तो इस इलाके में पार्टी के जीत की संभावना ज़्यादा हो सकती है। एक समय ऐसा था कि CPM का ये पूरा इलाका गढ़ हुआ करता था और नक्सली गतिविधियां भी इस इलाके में ज़बरदस्त तरीके से हुआ करती थी। अगर आप देखेंगे जहाँ कहीं भी टोल नाके पर या कहीं भी सड़क के किनारे, झाड़ग्राम का इलाका है और आपको लोकल पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल भी चुनाव आयोग की तरफ से जो भेजे गए हैं वो भी तैनात हैं। यहाँ से ठीक पीछे जो झाड़ग्राम सर्कस ग्राउंड है वहाँ पर अमित शाह की रैली है, लेकिन इस पूरे इलाके में वो जिस तरह की रणनीति बीजेपी बना रही है उसका मकसद साफ है कि इस इलाके से ज़्यादा सीटें वो जीतना चाहती है। और तृणमूल कांग्रेस जो हाल के दिनों में लेफ्ट के जाने के बाद इस इलाके पर उसका कब्जा हो गया था, बीजेपी यहाँ पाँव पसारना चाहती है। तो अमित शाह के अलावा JP नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, आने वाले दिनों में उनके दौरे भी झाड़ग्राम इलाके में, खड़गपुर इलाके में लगाए गए हैं। कल अमित शाह ने खड़गपुर में जबरदस्त एक रोड शो किया था और आज अब वो झाड़ग्राम कुछ देर बाद आने वाले हैं। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास। इससे पहले कल पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में अमित शाह ने रोड शो किया था जिसमें लोगों की बड़ी भारी भीड़ दिखाई दी। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में अमित शाह ने दावा किया कि रोड शो में जो जन सैलाब उमड़ा है वो बदलाव की निशानी है और बीजेपी राज्य में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। गृहमंत्री अमित शाह खड़गपुर में रोड शो में, हम इनसे सवाल करेंगे क्या परिवर्तन की तस्वीर देख रहे हैं? आपका कैमरा ही दिखा दे, खड़गपुर में देखे हर एक व्यक्ति आज रोड पर है। मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरा बंगाल वोटिंग की तिथि की राह देखकर खड़ा है। एक सवाल ममता बनर्जी पे, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमला तो हुआ नहीं, लेकिन बार बार ममता बनर्जी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उन्हें धक्का दिया गया, हमला हुआ। देखिए, मैं इनकी सेहत जल्दी अच्छी हो और जल्दी प्रचार में लग जाए ऐसे ही कामना करता हूं। 200 के पार या और भी ऊपर? 200 के पार जाएंगे और एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जो सीमाओं को सुरक्षित करेगी, यहाँ की गरीब जनता के विकास के लिए मोदी जी की सारी योजनाओं को कार्यान्वित करेगी। इसके साथ साथ टोल मनी और कट मनी का जो यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगा है उसको उखाड़ कर फेंक देगी और तुष्टिकरण को भी समाप्त करेगी। बंगाल के चहुंमुखी की विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। विकास से लेकर के
और करप्शन पर कड़ा संदेश गृह मंत्री अमित शाह का। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष धर के साथ आशिका सिंह, न्यूज 18 इंडिया, खड़गपुर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं तक पश्चिम बंगाल की जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए जी तोड़ कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी के बड़े नेता ममता बनर्जी की किलेबंदी के लिए लगातार बंगाल जाते रहते हैं। हर महीने अमित शाह का बंगाल दौरा होता है। आज अमित शाह झाड़ग्राम और बांकुड़ा में रैली को संबोधित करेंगे। कल अमित शाह ने खड़गपुर में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया था। पिछले महीने फरवरी में 18 फरवरी को अमित शाह बंगाल की जीत पक्की करने के लिए दक्षिण 24 परगना में थे और इससे पहले 11 फरवरी को वो कूच बिहार में थे। और आज की तस्वीर, कल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब अमित शाह ने खड़गपुर में रोड शो किया, बड़ा रोड शो किया। और यहां से जो नया नारा दिया गया है, ए बार भाजपा यानी इस बार बीजेपी, और साथ ही दावा ये कि 200 प्लस भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीतेगी। तो जहां एक तरफ अमित शाह की आज रैली होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी आज पुरुलिया में रैली को संबोधित करेंगी। वहां से अमित सिंह हमारे साथ है, जरा दिखाइए अमित वहां पर तस्वीरें। आज ममता बनर्जी की यहां पर रैली होनी है, क्या तैयारियां और कितने बजे रैली शुरू होगी? जी हाँ बिल्कुल, 1 बजे ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंच जाएंगी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और पैर में चोट लगने के बाद ये उनकी पहली जनसभा होगी। हालांकि कल वो एक पदयात्रा में शामिल हुई थी शहीद दिवस के मौके पर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये देखिए ममता बनर्जी का जो हेलीकॉप्टर है वो यहीं पर लैंड करेगा, हेलीपैड उनका यहीं पर बनाया गया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। जो सुरक्षा एजेंसी के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो लगातार यहाँ पर जाँच करते हुए, जैसे ही ममता बनर्जी हेलीपैड से यहाँ पर हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगी, उसके बाद यहाँ पर जैसे जिस तरीके से वो व्हील चेयर में रहेंगी और व्हील चेयर को किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो, तो इस पूरे जमीन को समतल बनाया गया और जो स्टेज बनाया गया है, आप वहाँ पर स्टेज देख सकती हैं कि किस तरीके से स्लैब के जरिए कि ममता बनर्जी को किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो स्टेज पर चढ़ने में। तो पुरुलिया में कुल 9 विधानसभा है, 9 विधानसभाओं में 2016 में 7 जो है टीएमसी के कब्जे में थी, 2 कांग्रेस के कब्जे में थी। और यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड भी यहाँ पर पूरी तरीके से बांस से बैरिकेडिंग करके यहाँ पर बना दिया गया है। ममता बनर्जी का ये पहला जनसभा होगा पैर में चोट लगने के बाद। यानी यहाँ पर जो यहाँ से जो तस्वीरें आएंगी कि ममता बनर्जी व्हील चेयर पर स्टेज पर बैठी हुई, तो और जिस तरीके से टीएमसी के जो नेता थे वो लगातार जिस तरीके या और ये पेश करने की कोशिश कर रहे थे, ममता बनर्जी की एक फाइटिंग लेडी है और वो तस्वीर पेश करने की यहाँ से कोशिश की जाएगी। अगर हम बात करें पुरुलिया की, तो पुरुलिया के ठीक यहाँ से अगर हम हार्डली 10 किलोमीटर भी जाएं तो यहाँ से झारखंड शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पहले लेफ्ट का गढ़ था, उसके बाद ये टीएमसी के कब्जे में आया और आने वाले दिनों में हम यहाँ पर जेपी नड्डा और अमित शाह और तमाम जो बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं उनकी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो आके कैंपेन करेंगे। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले यहाँ पर खुद मनोज तिवारी यहाँ पर पहुंचे थे, जो पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं, स्टार प्रचारक हैं, सांसद हैं, अभी वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे क्योंकि ये झारखंड से सटा हुआ इलाका है और बीजेपी भी चाहेगी कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वो अपनी मजबूत हो। लौटेंगे आपके पास। उधर पुरुलिया के झालदा में दोपहर 1 बजे ममता बनर्जी की जनसभा होगी, जबकि बलरामपुर में दोपहर 3 बजे जनसभा करेंगी ममता। पुरुलिया में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। तो आपको बता दें ममता बनर्जी की 2 रैलियां हैं आज पुरुलिया में। ममता बनर्जी रैली को संबोधित करेंगी, 2 रैली को संबोधित करेंगी ममता बनर्जी। तो उधर झाड़ग्राम में अमित शाह की भी रैली होनी है, इसके बाद अमित शाह की बांकुड़ा में रैली है। लगातार कोशिश यही कि झारखंड से सटे जो इलाके हैं वहां पर मेहनत की जाए। हालांकि जो पुरुलिया है, हमारे सहयोगी अमित बता रहे हैं कि वहां पर टीएमसी की 7 सीटें, पिछले चुनाव में टीएमसी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा पार्टी को और मजबूत करने के लिए लगातार ममता बनर्जी यहां का रुख कर अब जनसभा को आज संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आज 2 जनसभाएं हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं झालदा में और झालदा में यहां पर पहला जनसभा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का होने वाला है दोपहर 1 बजे। मेरे पीछे यहां पर आप देख सकते हैं कि मंच पूरी तरीके से तैयार है, ग्राउंड पूरी तरीके से यहां पर तैयार है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं, लोकल पुलिस मौके पर मौजूद है, जितनी भी गाड़ियां हैं उन सभी गाड़ियों को यहां पर चेक किया जा रहा है जो यहां पर ग्राउंड में रहने वाली हैं।
यहाँ पर, और मैं आपको तस्वीरों के जरिए एक और दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से ममता बनर्जी के पैर में चोट आई। चोट आने के बाद बीते कल ममता बनर्जी जो हैं वो पदयात्रा में शामिल हुई थी शहीद दिवस के मौके पर, और आज जो है उनकी पहली जनसभा होगी पैर में चोट लगने के बाद। और उस वजह से देखिए हेलीपैड भी यहीं पर बनाया गया है इसी ग्राउंड में, क्योंकि ममता बनर्जी को चोट है पैर में और वो हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद व्हील चेयर की सहायता से जो है वो स्टेज तक वहाँ पर पहुँचेंगी, तो उसकी वजह से यहाँ पर पूरी इंतजाम की गई है। ग्राउंड के बगल में ही ग्राउंड पर ही यहाँ पर हेलीपैड इनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, उसके बाद सीधे इसी रास्ते से वो स्टेज पर जाएंगी। स्टेज भी आप देख सकते हैं बनाया गया है कि इस तरीके से कि व्हील चेयर आराम से ऊपर चले जाए और किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिक्कत ना हो। पुरुलिया की अगर हम बात करें तो पुरुलिया में 2016 विधानसभा चुनाव के समय में यहाँ पर कुल 9 विधानसभा है पुरुलिया जिले में, इसमें से 7 तृणमूल कांग्रेस के कब्जे में था तो जबकि 2 जो है कांग्रेस के कब्जे में है। और यहाँ पर झालदा में पहला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोपहर 1 बजे पहली अपनी जनसभा को संबोधित करेंगी, जबकि दूसरा पुरुलिया के ही बलरामपुर में दोपहर 3 बजे वहाँ एक दूसरी जनसभा को संबोधित करने के बाद सीधे यहाँ से कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, पुरुलिया। गृहमंत्री अमित शाह आज बंगाल में हैं और इसके अलावा वो 19 मार्च को भी पश्चिम बंगाल में रैली करेंगे, जबकि 16 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की भी रैली होगी। इन दोनों नेताओं के अलावा 18, 20 और 21 मार्च को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे और अलग अलग जनसभाओं में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 18 मार्च को पुरुलिया में रैली करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 20 मार्च को पूर्वी मिदनापुर के कांथी चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। पहले चरण में पूर्वी मिदनापुर की 6 सीटों पर मतदान है, इसमें उत्तर और दक्षिण कांथी भी शामिल है। पहले चरण में पूर्वी मिदनापुर की 6 सीटों पर मतदान होना है, उसमें उत्तर और दक्षिण कांथी भी शामिल है। बीजेपी ने बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का वादा करने के साथ ही 200 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। अरुण और अमित लगातार हमारे साथ बने हुए। अरुण, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, कल नारा दिया गया था, नया नारा हमने देखा, ए बार भाजपा यानी इस बार बीजेपी, आज जब वहां जनसभा होने जा रही है तो क्या क्या नारा वहां पर रहेगा रैली में, और समीकरण क्या है झारग्राम की अगर बात की जाए उस इलाके की, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अगर यहां पर रैली करते हैं तो संदेश झारखंड तक पहुंचेगा, इसके अलावा अगर बंगाल के लिहाज से देखें, वहां की सियासत के लिहाज से देखें तो किस तरीके का समीकरण रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, पूरा बंगाल उसके लिए अभी जीतना हर जगह खाली पड़ी हुई है, क्योंकि 3 ही सीट उसके पास है, तो पूरे बंगाल में जहां कहीं भी वो मेहनत कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, वो सीट जीतेंगे उनके लिए वो जगह खाली है एक तरह से, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस या फिर लेफ्ट का कब्जा है, बीजेपी का कब्जा बहुत कम जगहों पर है। जहां तक यहां की बात है, मैं झारग्राम में खड़ा हूं और आज देखिए बीजेपी किस तरह से रणनीति बनाती है। आज बिरसा मुंडा सम्मान यात्रा का शुभारंभ करेंगे अमित शाह। बिरसा मुंडा को इस पूरे इलाके में, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आदिवासी इलाका है, भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के शासन के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ने वाले बिरसा मुंडा के सम्मान में एक यात्रा की शुरुआत बीजेपी करने जा रही है और हरी झंडी दिखाएंगे अमित शाह। इसका मतलब है कि गृहमंत्री पूरे एक तरह से रणनीति के तहत इस पूरे इलाके में आए हैं, और ये जो इलाका है, ज्यादातर जगहों पर इस पूरे इलाके में लेफ्ट बहुत बहुत स्ट्रांग था, और उसके बाद जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट की जमीन छीनी, उसके बाद ममता बनर्जी का पूरा इलाके में दबदबा हुआ। लेकिन अब बीजेपी नजर लगाए हुए है, क्योंकि ऐसे इलाके जहां उसका काडर नहीं था, पार्टी का झंडा नहीं था, ऐसी जगहों पर रैली होने लगी, झंडा दिखने लगा और लोग दिखने लगे, और यही वजह है कि बीजेपी इस पूरे इलाके पर फोकस कर रही है, आदिवासी इलाके पर, और बिरसा मुंडा जिनको भगवान कहा जाता है, उनके जरिए, सम्मान यात्रा के जरिए आदिवासी वोटरों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश। इसके पहले भी आप देखिए कि अमित शाह किस तरह से मतुआ संप्रदाय से लेके आदिवासी इलाकों में गए, जेपी नड्डा के उनके घर भोजन किया, तो इस तरह से बीजेपी जुड़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए 63 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को जारी कर दिया, जिसमें केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो समेत बीजेपी के 4 सांसदों को दिया गया टिकट। बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज सीट, जबकि स्वपन दास गुप्ता को तारकेश्वर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी को चुनचुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। बंगाल चुनाव के 3रे और 4थे चरण के लिए जारी लिस्ट में बीजेपी सांसद
निशित प्रमाणिक को भी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। इनके अलावा हाल ही में टीएमसी का दामन छोड़ चुके बीजेपी में आए राजीव बनर्जी और प्रवीर घोषाल को भी उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री, सांसद और उसको विधायक का टिकट अगर पार्टी दे तो कुछ तो सोचा होगा आपके बारे में। पार्टी ने जो काम दिया है वो काम सुचारू रूप से करने की कोशिश करूंगा। जहाँ का मैं दो बार का सांसद हूँ आसनसोल में, वहाँ पे 7 सीट में 7-0 करना है, वो एक चैलेंज है। उसके साथ साथ टॉलीगंज में प्रत्यक्ष रूप से मुझे लड़ने का मुझे दायित्व दिया और एक क्या कहूँ, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। उसमें भी जब मैं फ्लाइंग कलर्स से निकल जाऊँ, यही आशा, उम्मीद और कॉन्फिडेंस ये है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये बड़ा चैलेंज है तो जितना बड़ा चैलेंज उतना ज़्यादा मोटिवेशन, जितना अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ज़्यादा इंस्पिरेशन। सो आई एम कम्फर्टेबल विद इट। तो अगर जीत जाएंगे तो मंत्री केंद्र में रहेंगे या यहाँ आ जाएंगे? कुछ तो छोड़ना पड़ेगा आपको। अब इस सवाल का जवाब मैं आपको क्या दूँ, ये मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं ज़रूर जीतूँगा, 100% जीतूंगा, इतना मैं आपको कह देता हूं। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो पार्टी डिसाइड करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम में चोटिल होने की घटना को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने पूर्वी मिदनापुर के एसपी प्रवीण प्रकाश को निलंबित कर दिया और साथ ही डीएम विभू गोयल को भी हटा दिया गया और उनकी जगह स्मिता पांडे को नई जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय को भी पद से मुक्त कर दिया और साथ ही आयोग ने पंजाब के पूर्व आईपीएस अधिकारी अनिल कुमार शर्मा को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। तो ये बड़ी कार्रवाई ममता को चोट मामले में, और साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से यह भी साफ किया गया कि हमले के कोई सबूत नहीं मिले हैं, लापरवाही का मामला एक तरह से माना गया है, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई। अरुण हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, लेकिन अब जवाब क्या होगा? क्योंकि अरुण, हमने देखा कल जब ममता बनर्जी की तरफ से रैली की गई उस दौरान वो प्लास्टर के साथ, पट्टी के साथ पहुंची थी और उन्होंने कहा था कि बंगाल की जनता का दर्द मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। लगातार कोशिश यही कि उस मसले को लेकर, उस घटना को लेकर किस तरीके से सवाल उठाए जाए और जो विरोधी है उन पर निशाना साधा जाए। लेकिन इस सबके बीच अब जब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि हमले के सबूत नहीं मिले हैं, तो फिर क्या जवाब होगा? किस तरीके से जवाब देगी टीएमसी और ममता बनर्जी? देखिए, तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी, मुझे लगता है कि और लोगों को जवाब देने के बजाय वो अपने काडर को संबोधित ज्यादा कर रही हैं। व्हीलचेयर के जरिए जब वो 4 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में हिस्सा लेती हैं, जिस पदयात्रा को उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को लीड करना था, खुद फैसला करती हैं कि मैं व्हीलचेयर के जरिए ही 4 किलोमीटर जाऊंगी, तो मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों और वोटरों तक संदेश पहुंचाना चाहती हैं कि भले ही उनके ऊपर हमला हुआ हो। ये ममता बनर्जी के शब्द हैं, चुनाव आयोग के या फिर जांच एजेंसियों के अभी तक कोई शब्द नहीं है। जांच एजेंसियों को अभी समय दिया है चुनाव आयोग ने, 15 दिन में जांच करके पूरी रिपोर्ट देनी है, लेकिन इनिशियली ऐसा लगता है क्योंकि कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है तृणमूल कांग्रेस की, उनको धक्का मुक्की की गई या फिर उनके साथ कोई इस तरह की साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत उनको चोट लगाई गई। ममता बनर्जी भले ही आरोप लगा रही है कि 4-5 लोग आए थे, लेकिन इस बात के सबूत नहीं मिले हैं। कार्रवाई अधिकारियों पर हो गई, लेकिन ममता बनर्जी, मुझे लगता है, इस पूरी घटना के जरिए अपने काडर को मोबिलाइज करने, अपने वोटरों को संगठित करने का इस्तेमाल कर रही हैं। और इसीलिए देखिए कि पुरुलिया में वो व्हील चेयर पर रैली करने जा रही हैं और 4 किलोमीटर की उन्होंने पदयात्रा व्हील चेयर पर की, तो अपने लोगों को। अरुण लौटे आपके पास, एक बड़ी खबर बता दें कि एक तरफ चुनाव आयोग की, चुनाव की जो तपिश है वो बढ़े, तो दूसरी तरफ बंगाल में घोटालों के मामले में सीबीआई का शिकंजा भी लगातार कस रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी और शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को सीबीआई ने आईकोर ग्रुप ऑफ कंपनी के पोंजी स्कैम मामले में आई पूछताछ के लिए बुलाया है। आज उन्हें कोलकाता के सीबीआई दफ्तर में बुलाया गया। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि पार्थ चैटर्जी आज पूछताछ के लिए पेश होंगे या नहीं। आरोप यह कि पार्थ चैटर्जी आईकोर कंपनी के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे और कंपनी से उनके संबंध थे। मामला 300 करोड़ रुपए के घोटाले का है। कंपनी पर आरोप है कि उसने निवेशकों का पैसा दूसरी स्कीम में लगाया और बाद में निवेशकों को पैसा लौटाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 2014 में सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में लिया था और कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया था। पहले इस मामले की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस कर रही थी, लेकिन अब सीबीआई पार्थ चैटर्जी से करेगी पूछताछ।
और इस बीच आपको यह भी बता दें कि कोयला घोटाला मामले में सीबीआई ने आज अंकुश अरोड़ा और पवन अरोड़ा को पूछताछ के लिए बुलाया। अंकुश अरोड़ा ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की साली मेनका के पति और पवन अरोड़ा ससुर हैं। पिछले दिनों इस मामले में सीबीआई ने मेनका से पूछताछ की थी, जिसके बाद इन दोनों का नाम सामने आया था। हालांकि अभी तक दोनों की तरफ से सीबीआई को यह नहीं बताया गया कि वो पूछताछ के लिए पेश होंगे या फिर नहीं। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में अभिषेक की साली मेनका और रुजिरा बनर्जी से भी पूछताछ की थी। कोयला कांड का मुख्य आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला पर पहले ही सीबीआई शिकंजा कस चुकी है। उसके सहयोगी विनय सिंह को सीबीआई भगोड़ा भी घोषित कर चुकी है। लाला और विनय पर कोयले की अवैध तस्करी करने का आरोप है और इस तस्करी के पैसों को फर्जी शेल कंपनियों के जरिए थाईलैंड और लंदन के कई बैंक अकाउंट्स में पैसे भेजे जाने का आरोप है, जो कथित तौर पर रुजिरा बनर्जी और मेनका गंभीर के बताए जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिका फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आशिका, इस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? पार्थो चैटर्जी पेश होंगे कि नहीं होंगे और मेनका के ससुर और पति को लेकर क्या अपडेट? ये जो अरोरा परिवार है, दोनों की तरफ से जवाब अब भी कोई नहीं दिया गया है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। हालांकि पार्थ चैटर्जी का मैं आपको बता दूं, कार्यक्रम जो तय है करीब 11 बजे मंदिर में पूजा करके अपना चुनाव प्रचार आज से शुरू करने वाले हैं, तो आसार कम ही है कि आज पार्थ चैटर्जी पहुंचे। और उधर गंभीर जो परिवार है, जिसने जवाब अब तक नहीं दिया है, सीबीआई से जो बातचीत हुई है, सीबीआई सूत्रों का कहना है कि आज वो इंतजार करेंगे और संभव है कि 11 के आसपास ये पिता पुत्र जो हैं दोनों पहुंचे। जी आशिका, तो कोयला घोटाले में ये पूछताछ, जहां एक तरफ पार्थो चैटर्जी से पूछताछ होगी, सीबीआई ने कोलकाता दफ्तर में तलब किया, हालांकि पेश होंगे या फिर नहीं इस बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन आपको बता दें, मेनका के जो मेनका अभिषेक बनर्जी की साली है, उनके पति और ससुर को भी तलब किया गया है। और अब बड़ी खबर कोरोना के कहर से जुड़ी। हर गुजरते दिन के साथ देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में पूरे देश में 25,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए, जिनमें अकेले महाराष्ट्र से 16,500 केस मिले। नागपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 2,200 के पार जा पहुंचे, जबकि मुंबई में ये आंकड़ा 2,000 के पास जा पहुंचा है। पुणे, ठाणे और औरंगाबाद समेत कई जिलों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए राज्य के कई जिलों में लगा दिया गया है लॉकडाउन। लातूर में 31 मार्च तक रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया है। नागपुर में भी आज से सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो 21 मार्च तक रहेगा। पुणे में 31 मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे। अकोला, परभणी में भी लॉकडाउन की वापसी हुई है। औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार चौथे दिन 400 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 1500 से ज्यादा केस मिले और 20 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 2 महीने से हर प्रोग्राम में, कुछ शादी का प्रोग्राम हो, कुछ मेला हो या एंगेजमेंट का प्रोग्राम हो, हज़ारों लोग जब इकट्ठा जमते थे। और उतना ही नहीं तो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, गेम्स हो, सब खुले प्रमाण में चलते थे, इसलिए ये हो रहा है शायद। लेकिन अभी कुछ एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट किया है, कुछ जगह लॉकडाउन भी किया है और टेस्टिंग करना ज़्यादा पैमाने पर चालू है, इसीलिए थोड़ा कंट्रोल में आएगा। क्या सरकार जल्द से जल्द हमारे देश के सभी नागरिकों को मुफ्त आरामदेही रीत से वैक्सीन मिले और ज्यादा से ज्यादा, मैं तो कहता हूं जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, पर कम से कम 12 महीने के अंदर पूरे देश में वैक्सीनेशन खत्म हो, उसके लिए सरकार की क्या तैयारी है? एक तरफ मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना फिर से तेजी से पांव पसार रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुंबई के दादर की सब्जी मंडी से तो डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सब्जी खरीदने पहुंचे लोगों ने कोरोना नियमों का ध्यान नहीं रखा। ज्यादातर लोग तो बिना मास्क के ही नजर आए। देखिए कितनी भीड़ भाड़ इस मंडी में, वो भी तब लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों की लापरवाही का आलम देखिए। तो लापरवाही की वजह से ही लॉकडाउन लगाया गया है और जहां था वहां बढ़ा दिया गया है।
मुंबई में एक तरफ जहां कोरोना का कहर हर दिन जारी है, वहीं दूसरी तरफ दादर की सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने का सिलसिला भी जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दादर की उसी सब्जी मंडी में जहां हर दिन जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती है और ये भीड़ में कोरोना नियमों की धज्जियां लगातार उड़ाई जाती हैं। सबसे अहम चीज ये कि भीड़ के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन तो बिल्कुल नहीं होता और साथ ही साथ बिना मास्क के लोगों की संख्या काफी ज्यादा होती है। तो ऐसे में सवाल बस यही है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जल्द ही इस सब्जी मंडी को लेकर सरकार और बीएमसी को जागना होगा, वरना जिस तरह से कोरोना के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं, 250 से 300 केसेज हर दिन लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए अगर इस पर जल्दी से जल्दी कोई फैसला नहीं लिया गया तो फिर कोरोना का विस्फोट इसी तरह से होता रहेगा। और जो हालात मुंबई में साफ तौर पर लॉकडाउन के दौरान बने थे, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे, वो हालात बनने में देर नहीं लगेगी। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ भीड़ हर दिन इसी तरह से होती है और बावजूद इसके बीएमसी और सरकार खाली अपील करते हैं, कोई फैसला नहीं होता है कि आखिर क्यों जो है इस भीड़ से निपटने के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, इस भीड़ को कम करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दोस्त सहयोगी जुड़ गए हैं, दिवाकर मुंबई से हमारे साथ हैं और वहीं तुषार कोहले नागपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, अभी आपकी दादर की रिपोर्ट देखी, ऐसे कैसे सुधरेंगे हालात, ये तो तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। जाहिर तौर पर गायत्री, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं ये हर दिन की बात है, कोई नई बात नहीं है। सरकार और बीएमसी लगातार अपील ये करते हैं कि लोग कोरोना नियमों का पालन करें, लेकिन जिन लोगों को कोरोना नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है वही यहां से नदारद होते हैं, यानी बीएमसी के मार्शल और मुंबई पुलिस के लोग। यहां पर कोई नहीं दिखता है। जो भीड़ सुबह 5 बजे से शुरू होती है वो 10 बजे तक सुबह तक चलती है और उस भीड़ में अगर सोचिए कि कोई भी शख्स अगर कोरोना पॉजिटिव है और उसके बाद अगर जो है किसी लोग उतरे संपर्क में आएंगे तो कितनी तेजी के साथ कोरोना का प्रसार होगा। और यही मंडी की तस्वीर है, मैं जहां मौजूद हूं इस वक्त जो है, जब रिपोर्ट दिखाई गई उसके बाद जब यहां की हमारी टीम पहुंची तो मंडी को फिलहाल खाली करा दिया गया है, लेकिन फिर भी जो तस्वीरें हैं वो देखिए कि ये जो पूरा रोड होता है ये पूरा भरा होता है और लोगों से इतना भरा होता है कि यहाँ पर पैर रखने भर की जगह नहीं होती है। और सबसे अहम चीज कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है और इसके साथ साथ विदाउट मास्क लोगों की संख्या ज्यादा होती है। तो जो महाराष्ट्र एक बार फिर से देश में कोरोना का हॉटस्पॉट बन रहा है, आपके पास लौटेंगे, आपके पास जरा नागपुर की तस्वीर भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो नागपुर में 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद नागपुर में आज से सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। ये लॉकडाउन 21 मार्च तक जारी रहेगा, जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद रहेगा। तो 21 मार्च तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा, आज से लॉकडाउन लगा दिया गया, सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। नागपुर में आज से 1 सप्ताह का लॉकडाउन है, इसके बावजूद अगर नागपुर के सड़कों की स्थिति देखोगे तो हमें बड़ी मात्रा में लोग नागपुर के सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में लोग नागपुर के सड़कों पे है, ये पूरा लॉकडाउन है, लोगों को रास्ते पे निकलने के लिए भी बंदी है, इसके बावजूद भी हम देख सकते हैं और ऐसे घूम रहे हैं, ना तो ठीक से मास्क पहनते हैं। इसके बाद जब अगर पिछले 24 घंटे में नागपुर की कोरोना की स्थिति देखी जाए तो 2252 नए मामले सामने आए, 12 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद भी लोगों में जो गंभीरता चाहिए वो नहीं दिख रही, बड़ी मात्रा में लोग लापरवाही दिख रहे। पिछले अगर 10 दिनों का सोचा जाए तो नागपुर में अकेले नागपुर शहर से ही 14,000 के ऊपर मामले सामने आए और यही प्रशासन की चिंता है। इसी के मद्देनज़र नागपुर में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है, 15 तारीख से 21 तारीख तक का ये लॉकडाउन होने वाला है। इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो लोग गंभीर नहीं है। इसी के मद्देनज़र आज ये सड़कों पर जो नज़ारा दिख रहा है उससे पता चलता है कि नागपुर में प्रशासन की यही चिंता है कि प्रशासन अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। नागपुर में प्रशासन ने लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। स्कूटर या बाइक पर एक से ज्यादा लोगों के बैठने पर रोक लगा दी गई, जबकि कार में 2 से ज्यादा लोगों के बैठने पर कार्रवाई की बात कही गई है। मोटरसाइकिल्स पे 2 से 1 से ज्यादा लोग दिखेंगे उनको मोटरसाइकिल्स डिटेन किया जाएगा। उसी तरह 4 व्हीलर्स पे जहाँ 2 से ज्यादा लोग दिखेंगे वो गाड़ियाँ डिटेन की जाएंगी। बिना कारण जो लोग रस्ते पे घूम रहे हैं उनके विरुद्ध गुनाह दाखिल किया जाएगा। करीब करीब 2,500 से ऊपर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शहर में लगे हुए हैं। और नागपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार लगातार बने हुए हैं। तुषार, जरा दिखाइए तो वहाँ की तस्वीरें, आज से लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है,
क्या सख्ती का कोई असर दिख रहा है? देखा जाए अगर नागपुर के सड़कों का दृश्य आप देखेंगे तो हमें पता चलता है तो पुलिस तो दिख रही है, अभी पुलिस कहीं तो भी कार्रवाई करते हुए दिख रही है, लेकिन बड़ी मात्रा में लोग अभी भी सड़कों पर आ रहे हैं, अपने कामों के लिए आ रहे हैं। थोड़ा बहुत जो रिलीफ दिया है उसी का फ़ायदा उठाने का प्रयास लोगों की तरफ से हो रहा है। इसके बावजूद भी अभी कार्रवाई चालू है, नागपुर के पुलिस कमिश्नर इसी एरिया में आए थे, इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ कार्रवाई होते हुए नज़र आ रही है। इधर अगर बाजू में हम मार्केट का नज़ारा देखोगे तो मार्केट पूरी तरह से बंद है, मार्केट में कोई नहीं दिख रहा है, मार्केट में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन सड़कों की अगर स्थिति देखें तो सड़कों में बड़ी मात्रा में लोग सामने निकल के आ रहे हैं, तो यही एक चिंता का विषय है। नागपुर में अगर पिछले 10 दिनों में देखा जाए तो 14,000 से ऊपर नए मामले सामने आए थे और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले नागपुर में देखने को मिल रहे हैं। और आप देखो अगर सड़कों का नज़ारा देखोगे तो बड़ी मात्रा में लोग सामने आ रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई भी चल रही है, इसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं, तो यही एक चिंता का विषय है। और नागपुर में अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो संक्रमण का जो रेशियो है वो भी सबसे ज़्यादा नागपुर में है। जिस तरह से देश में सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं, वैसे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले नागपुर में सामने आ रहे हैं। तो इसके मद्देनज़र आज से ये लॉकडाउन चालू है, पूरा कड़ा लॉकडाउन है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग दिख रहे हैं इससे लगता है कि लोग लापरवाह है, उतना गंभीरता से लोगों ने लॉकडाउन को नहीं लिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और इस बीच बड़ी खबर ये कि इजराइल एम्बेसी धमाके केस में दो लोगों को कर लिया गया गिरफ्तार, दो लोगों की पहचान हुई है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो दो लोगों की पहचान हुई है, दरअसल गिरफ्तारी नहीं, पहचान हुई है सीसीटीवी फुटेज से, ये पहचान हुई है सूत्रों के हवाले से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल एम्बेसी के बाहर जो धमाका हुआ था उस पूरे मामले में तफ्तीश, संदिग्धों की तलाश जारी है, और इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि दो लोगों की पहचान हुई है, दो लोगों को पहचाना गया है। दिल्ली धमाका मामला, इजराइल एम्बेसी के बाहर जो धमाका हुआ था उस मामले में सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि दो लोगों को पहचाना गया है। और अब बात लखनऊ के गोलीकांड की, बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे की पत्नी अंकिता ने खुदकुशी की कोशिश की। अंकिता ने सांसद के घर के बाहर अपनी कलाई की नस काट ली, जिसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। अंकिता की हालत अभी खतरे से बाहर है। कौशल किशोर की बहू और आयुष की पत्नी अंकिता ने अपनी जान देने की कोशिश की है। हालांकि इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले को लेकर अब तक बहुत सारी परतें खुल चुकी हैं। आयुष ने खुद को सरेंडर भी कर दिया जाकर के, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आई कि आयुष की पत्नी अंकिता ने अपनी खुद की जान देने की कोशिश की है। इस वक्त देख सकते हैं आपकी, मैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर अंकिता बहुत ही गंभीर अवस्था में यहाँ पर लेटी हुई हैं। लेकिन मैं इनसे खुद बात करके जानना चाहूँगी कि आखिर ये हालात, ये नौबत क्यों बनी कि आपको ऐसा कदम उठाना पड़ा? मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं की जा रही, मैं जिस पुलिस ऑफिसर्स के पास वो लोग बात करने से मना कर रहे हैं, मैं किसी भी अधिकारी पास जा रही हूँ, कोई बातचीत नहीं कर रहा है, क्या करूँ, कोई सुन नहीं रहा है, मैं सही हो तो भी गलत ठहराई जा रही हूँ, कोई गलती नहीं की थी, अपनी मर्जी की थोड़ी सी चीज़ें कर ली थी, उसके लिए मुझे यही सजा भुगतनी पड़ी है। कोई साथ है जिससे शादी करी वो तक साथ छोड़ के चला गया, मैं जाऊँ तो गाँव कोई सुनता नहीं, उसके घर में मुझे पहचान नहीं सकता, इनकार कर रहा है कि मैं कौन हूँ, कौन अंकिता, कौन आयुष, उल्टा मुझ पर आरोप लगा रहा है कि तुमने आयुष, तुम जानो तुमने आयुष को कहीं छुपा के रखा है, क्योंकि मेरी कोई बात वो घर में ही अपनी छुपाया, उसके बावजूद मुझ पर आरोप लगा रहे हो तुम छुपा के रखी हो। लेकिन आयुष ने तो थाने में सरेंडर कर दिया है ना? हाँ, तो मुझसे बात तक करे ना, बात तो करे, बात तक नहीं कर रहे वो। आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की दो चार दिन? बहुत, मैं हर जगह जाके ढूंढी, हर रिश्तेदार के घर जाके ढूंढी, कहीं से मेरी कहीं बातचीत नहीं हो पाई, बस कुछ बचा नहीं है, तब खोने को ना पाने मरने के सिवा कुछ बचा नहीं है बस। क्या उनकी फैमिली के लोगों से आपने बात करने की कोशिश की कि आप उनकी पत्नी हैं, आपको घर में वो दर्जा मिलना चाहिए? मुझे ब्लॉक कर दिया गया, उनके पापा को जब मैंने फ़ोन किया मैंने व्हाट्सएप किया तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया जी, उसके बाद मैं किससे क्या कहूँ। खुदकुशी की कोशिश से पहले अंकिता ने सोशल मीडिया पर दो वीडियो पोस्ट किए जिसमें वो आत्महत्या की बात कर रही है। इन वीडियोस में अंकिता अपने पति आयुष के अलावा सांसद कौशल किशोर, अपनी विधायक सास जयदेवी और आयुष के भाई पर गंभीर आरोप लगा रही है। वीडियो में अंकिता रोते हुए नजर आ रही है। आयुष, बहुत इंतजार किया था मैंने तुम्हारा, अभी तक सोचे थे तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम वापस आ जाओगे ऐसा लगता था, तुम वापस नहीं आए,
तुम वापस भी नहीं आओगे तो मुझे रहना भी नहीं है। अब बहुत हो गया, मैं हार गया इसमें, हार गई लड़की, सबसे हार गई। अब मैं शायद ये इतना ही वक्त मुझे रहना था और मुझे शायद जाना था इस दुनिया से। मुझे पता था कि तुम झूठे हो, पर मैं तब भी तुम्हारे साथ थी। और जिस फैमिली के साथ हो ना, तुम्हें तो कहते थे वो तुमसे प्यार नहीं करते, से मतलब ही है ना। आज उन्हीं लोग के पास तुम चले गए ना, क्योंकि आज तुमको अपना मतलब नजर आ रहा है ना। एक बार बच्चे के बारे में तक नहीं सोचा, कोई फायदा नहीं है। बहुत लेट कर दिया, मैं जा रही हूँ। मेरे मरनी की वजह तुम हो आयुष, तुम ही हो। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई विकास किशोर है, और कोई नहीं है। और इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका लाइव जुड़ गई हैं। अनामिका, ये वीडियो देखा अंकिता का, और साथ ही आपने उनसे बात भी की, वो किस तरीके से तमाम गंभीर आरोप भी उनकी तरफ से लगाए गए। अब क्या स्थिति है अंकिता की, और अब अंकिता आगे क्या कदम उठाने की बात करें, और क्या इन वीडियोस के बारे में, अंकिता की इस स्थिति के बारे में सांसद कौशल किशोर, उनके परिवार और आयुष को पता है? और देखिए, जिस तरीके से 3 मार्च को कौशल किशोर के बेटे आयुष पर हमला हुआ था, उसके बाद रोज इस पूरे मामले में नई नई पेचीदगी आ रही है और नए नए परतें खुल रही हैं। फिलहाल आयुष ने कल मड़ियांव थाने में सरेंडर किया, वहां पे 2.5 घंटे तक पूछताछ होती रही, और एक सिरे से आयुष ने ये बात स्वीकार की कि उसकी पत्नी और उसके साले ने मिलकर उसको जान से मारने की कोशिश की है। पत्नी अंकिता ने उसको ट्रैप किया है, अपने जाल में फंसा के शादी की है उससे, उसे बचना चाहता है। उसके बाद आयुष से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है, लेकिन देर रात अंकिता ने ये वीडियो अपलोड करने के बाद अपनी जान देने की कोशिश की। फिलहाल अंकिता सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है, और डॉक्टरों का ये कहना है कि फिलहाल वो खतरे से बाहर है, ब्लीडिंग हो चुकी है, लेकिन चूंकि अब स्थिति बहुत नाजुक नहीं रह गई है, अब वो ठीक है। अंकिता ने जो हमसे बातचीत की है उसमें उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। अंकिता ने कहा है कि उनके पास अब जीने का कोई रास्ता रह नहीं गया है, उनके उनका जो पति उनके साथ नहीं है इस समय, आयुष ने उनको छोड़ दिया है। इसके अलावा ठीक है, अनामिका लौट रहे हैं, अनामिका लौट रहे हैं आपके पास। अंकिता की खुदकुशी की कोशिश को बीजेपी के सांसद कौशल किशोर ने ड्रामा करार दिया, उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता उनके परिवार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही हैं। सड़क पे आकर के उसने अपना ड्रामेबाजी शुरू की और आत्महत्या करने की धमकी दी। ये जो कर रही है, ये हमारी और मेरी पत्नी जो विधायक हैं जयदेवी कौशल, उनकी छवि धूमिल करने का काम कर रही है। और किसी कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइड करने का वास्तव में प्रयास करता है या कहता है कि हम सुसाइड कर लेंगे, तो ये बात ऑन रिकॉर्ड हो चुकी है और उसके खिलाफ़ वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। सुसाइड करना भी एक अपराध है, सुसाइड करने का प्रयास करना भी एक अपराध है। जहाँ तक हम लोगों का मामला है, आयुष को पूरी तरीके से बेदखल कर दिया गया था और फिर से एक बेदखली का वो कार्रवाई उसके खिलाफ है। कानून इसमें अपना काम कर रहा है, जो घटना हुई है उस पर भी कानून अपना काम कर रहा है, और इसके पीछे कोई ना कोई का हाथ है जो लग करके हमारी और विधायक जी की बदनामी कराने का प्रयास कर रहा है। वरना ये मैटर कोर्ट में चला गया है और पुलिस इस मैटर की जांच कर रही है, उसको कानून पर भरोसा नहीं है, हमें कानून पर भरोसा है। अनामिका लगातार हमारे साथ बनी हुई। अनामिका, सांसद कौशल किशोर तो इस पूरी घटना को ड्रामा करार दे रहे हैं और लगातार यही तमाम चीजें जो रिएक्शंस आ रहे हैं सांसद कौशल किशोर उनके परिवार की तरफ से, उससे लग रहा है कि अब गुंजाइश बिल्कुल नहीं है सुलह की। लेकिन क्या इसको लेकर जो बातें उन्होंने अंकिता को लेकर कही, क्या उसको लेकर वो भी कोई लीगल एक्शन ले रहे हैं? देखिए, अंकिता का इस तरफ से कुछ और ही कहना, अंकिता का ये कहना है कि चूंकि उसकी शादी को परिवार वालों ने मान्यता नहीं दी थी, लिहाजा शोषण किया जा रहा था, आयुष उसके साथ मारपीट करता था, उसकी फैमिली के लोग जो है इस मौके पर उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कौशल किशोर के का जो पूरा परिवार है उन्हें उसके नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, जो पुलिस के आला अधिकारी है वो कौशल किशोर के दबाव में उसकी बात को सुन नहीं रहे हैं, कोई भी संस्था उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रही थी, जो पहले आगे आ रही थी, जैसे उसको पता चला कि भाई सांसद का मामला है, सांसद के परिवार का मामला है, तो कोई भी संस्था अंकिता की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रही है। तो अंकिता ने ये आरोप लगाया कि उसके पास अब ना पति है, ना परिवार वाले हैं, ना ही उसके पेरेंट्स उसकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, तो उसके पास जिंदा रहने के लिए
जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए कोई मकसद नहीं बचा है, लिहाजा वो अपनी जान देना चाहती है। वही कौशल किशोर ये कह रहे हैं कि चूंकि जान देना भी अपने आप एक बड़ा अपराध है, सुसाइड करना अपराध है, तो इस पर वैधानिक कार्यवाही होनी चाहिए। अनामिका अपडेट के लिए लौटते रहेंगे आपके पास।